मैटजियो क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सोलर सिस्टम, सौर परिवार, सोलर फैमिली। और ये सोलर फैमिली या सौर परिवार जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो कलेक्टिवली एक जगह आपको नहीं मिलती। लेकिन जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सिविल सर्विसेज में तो आते ही आते हैं, प्रोविंशियल में भी आते हैं और वन डे एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं। तो इसलिए लगभग लगभग हर रीजन में आपका कवरेज हो जाता है इन क्वेश्चन से। और बेहतर तरीके से एस्ट्रोनॉमी, जैसे हम लोग जो है यूनिवर्स के बारे में अभी हम लोग ने इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ा था, और यूनिवर्स का जो है आपके ओरिजिन जो कि हम लोग ने 3 वॉल्यूम में पढ़ा, तो उसी तरह से तो उसमें हम लोग ने बाकी चीज़ों को देखा। अब हम लोग अपने सौर परिवार पे, अपने सोलर फैमिली में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अपने सोलर फैमिली में क्या है, सन है और उसका पूरी फैमिली, उसका पूरा परिवार है। परिवार क्या है, प्लैनेट्स और जो है आपके एक तरह से सैटेलाइट्स। उसके अलावा प्लैनेट्स सैटेलाइट्स के अलावा क्या है, उसके अलावा जैसे मेटियोर्स नाम आपने सुना होगा, ये क्या होते हैं, इनको क्या कहा जाता है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स कहाँ पर होते हैं या किस जगह पर होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर कभी कभी कॉमेट्स का नाम आपने सुना होगा, तो कॉमेट्स क्या होते हैं, इन तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग जो है अपने सोलर फैमिली में इंक्लूड करेंगे। तो आज हम लोग जो है इस सोलर फैमिली के बारे में स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो सोलर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे, सोलर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे आपके सन से, क्योंकि जो फैमिली हेड है वो क्या है, सन। सन से ही, क्योंकि अभी इसके बाद जब हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोगों के टॉपिक आएंगे जैसे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, या सारे प्लैनेट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे सारे ग्रह बने, तो सारे ग्रहों का निर्माण जो हुआ या उनकी उत्पत्ति जो हुई, ओरिजिनेशन जो हुआ, वो सन से हुआ है या स्टार्स से हुआ है आप ये कह सकते हैं। तो क्योंकि स्टार्स से ये सारी चीजें हो रही हैं, इसलिए नॉर्मली जो है हम लोग ये जानते हैं कि सारी चीज का ओरिजिनेटर जो है वो है सन। तो इसलिए अपने ग्रहों को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सन के बारे में। तो अपने अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि हम लोग सोलर फैमिली को अगर हम लोग देखें, सोलर सिस्टम को अगर हम लोग देखें, तो सन के साथ साथ जो आपके एक तरह से 8 हमारे प्लैनेट्स हैं वो कुछ किस तरह के हैं, जैसे सबसे छोटा है मरकरी जो कि सन से सबसे नियरेस्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वीनस, तो मरकरी है, बुध जिसको कहा जाता है, फिर शुक्र है, वीनस है जिसको कहा जाता है, फिर पृथ्वी है हमारी, अर्थ जिसको हम लोग कहते हैं, फिर उसके बाद मंगल है, मार्स जिसको कहा जाता है, फिर इसी तरह से बृहस्पति है, जुपिटर है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, फिर आपका सैटर्न है जो कि एक तरह से, जो ग्रहों की बात अगर हम लोग करें तो इसमें मेनली क्या है कि ये आपके रिंग्ड प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है, जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं, शनि जिसको हम लोग कहते हैं सैटर्न, फिर यूरेनस है, अरुण जिसको कहा जाता है, और नेपच्यून है जिसे कहा जाता है वरुण। तो ये जो है आपके पर्टिकुलर, ये आपके ग्रह हो जाते हैं। अब देखिए, इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके चीजें होती हैं, जैसे एक होता है इंफीरियर प्लैनेट्स। इंफीरियर प्लैनेट्स किसको कहेंगे, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं कि सन के चारों तरफ जो अर्थ रोटेट कर रहा, रेवोल्यूशन कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तो पृथ्वी की परिक्रमा की कक्षा में, रेवोल्यूशनरी पाथ के भीतर जितने प्लैनेट्स आते हैं वो क्या है, 2 हैं। तो अगर हम अर्थ का जो है रेवोल्यूशन देखेंगे तो उसी के अंदर दोनों का रेवोल्यूशन है, मरकरी और वीनस। इसीलिए मरकरी और वीनस को इंफीरियर प्लैनेट्स कहा जाता है। तो ये इंफीरियर प्लैनेट्स हो जाएंगे और बाकी यहां से लेकर के सारे प्लैनेट एक्सटीरियर हो जाएंगे। तो इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इनको वाह ग्रह कहा जाता है, जो मंगल से लेकर के जो है आपके वरुण तक होते हैं, मार्स टू नेपच्यून। तो अर्थ बीच में है, अर्थ के सेंटर के जो आपकी पेरिफरी है उसके बीच में आपके ये होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे
सन को अगर हम डिफाइन करें, सन है, ये अर्थ है, तो क्योंकि जो बुध है, मरकरी और वीनस, तो मरकरी और वीनस जो है, इन दोनों की कक्षा अगर आप देखेंगे वो इस अर्थ की कक्षा के अंदर आ रही है, इसीलिए ये क्या हो गए, ये इंफीरियर प्लैनेट्स हो जाते हैं। और बाकी जितने भी ग्रह हैं, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, ये सब जितने भी ग्रह हैं, इन सब की कक्षा क्या है, इन सब की कक्षा जो है वो अर्थ के की कक्षा के बाहर हो जाती है, अर्थ ऑर्बिट से बाहर हो जाती है। इसलिए बाकी सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, जैसे इनको इंफीरियर प्लैनेट्स कहा जाता है, आंतरिक जो है आपके ग्रह, इनको एक्सटीरियर प्लैनेट्स कहा जाता है, इनको इंफीरियर प्लैनेट्स या इंटीरियर प्लैनेट्स भी कह सकते हैं। तो इंफीरियर प्लैनेट्स इनको कहा जाता है जो अंदर हैं, और पृथ्वी के बाहर वाले जितने हैं वो सब एक्सटीरियर प्लैनेट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें भी अगर हम लोग देखें तो ये आपके ये चीजें बाइफर्केशन हो जाता है। फिर शुरू के चार ग्रह जो है, जिसको हम लोग मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स हम लोग ये कहते हैं, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एक तरह के प्लैनेट है, बृहस्पति, शनि एक तरह का प्लैनेट है, अरुण और वरुण दोनों एक तरह के प्लैनेट हैं। तो तीन तरह के प्लैनेट हम लोगों के पूरे उसमें पाए जाते हैं। तीन तरह के कैसे, ये क्या है, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों, क्योंकि जो है आपके ये एक तरह से इनकी जमीन है जिस पर हम लोग रहते हैं, ठोस जमीन इसको हम लोग कहते हैं। तो यहां पर क्या है, ये टेरेस्ट्रियल पार्थिव ग्रह जिनको कहा जाता है हिंदी में, तो ये पार्थिव ग्रह हैं, अर्थात टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, पार्थिव ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। जबकि ये वायु ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें ज्यादातर चीजें इनकी बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई नहीं है, गैशियस स्टेट ज्यादा है अगर आप देखें तो। ये जो है आपके एक तरह से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अंतर्गत नहीं आते, और ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं ये हिम से ढके हुए पूरे प्लैनेट हैं। इनका जो ये पूरी तरह से दोनों प्लैनेट क्या है, हिम से ढके हुए हैं, आइस से पूरे ढके हुए हैं। तो ये क्या है, ये आइस प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो ये आइस प्लैनेट्स हो गए, ये गैशियस प्लैनेट्स हो गए, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए। फिर क्या होता है, एक और जो है आपके एक तरह से शब्द आता है, ये आता है जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स मतलब जायंट प्लैनेट्स, बड़े प्लैनेट्स, बड़े ग्रह। तो जोवियन प्लैनेट्स जिनको कहा जाता है, तो वो क्या है, वो आपके कहलाते हैं चार प्लैनेट जिसमें आते हैं, जो कि बड़े हैं, अर्थ के साइज से जितने बड़े प्लैनेट्स हैं वो सब जोवियन कहलाएंगे। तो इसमें क्या आता था, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये क्या है, ये जोवियन प्लैनेट्स में आते थे, और इन्हीं को ग्रेटेस्ट प्लैनेट भी अब कहते हैं। ऐसे ग्रेटेस्ट प्लैनेट की कैटेगरी में अर्थ के, मंगल के बाद सारे ग्रह आते थे, लेकिन क्योंकि प्लूटो हट गया, अब ये चार ही ग्रह रह गए, तो ग्रेटेस्ट प्लैनेट भी अगर कहा जाए तो भी इन्हीं को कहेंगे, और जोवियन प्लैनेट्स अगर हम लोग कहेंगे तो भी इन्हीं को कहते हैं। तो जोवियन प्लैनेट्स के नाम से इनको जाना जाता है, और ये जो है आपके स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं जो कि यहां पर पाए जाते हैं। अब देखिए, इस पूरे सौर परिवार में सबसे पहले हम लोग सन की स्टडी करेंगे, फिर एक एक करके सारे ग्रहों की स्टडी करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर हम लोग स्टडी की बात करें तो सन को अगर हम लोग देखें, सूर्य का को अगर अगर हम देखें तो तीन पार्ट का मिलकर के बना है, एक अंदर का भाग, एक बाहर का भाग, और एक और बाहर भाग। तो तीन पार्ट का मिलकर के बना है। अगर हम सन को काटेंगे तो आप देखेंगे ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसे कहा जाता है कोर। दिस इज कोर, क्रोड जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये कोर का पार्ट है, जो कि आपके सबसे इंटीरियर पार्ट है, ये दिखाया जा रहा है कोर। फिर बीच वाला जो पार्ट है, ये जो बीच का ये पूरा कोर है, फिर ये बीच वाला जो पार्ट है, ये जो है आपके कहा जाता है रेडिएटिव जोन। ये रेडिएटिव जोन क्यों कहा जाता है, ये विकर्ण क्षेत्र जो है आपके
हिंदी में विकिरण क्षेत्र इसको बोलते हैं। और जो ये लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो मोटाई बाहर का जो सरफेस है पूरा, ये मोटा सरफेस जो है, ये क्या होता है, ये कन्वेक्टिव जोन होता है, ये कन्वेक्टिव जोन है। तो ये जो है आपके संवहन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, इसको हिंदी में संवहन क्षेत्र कहते हैं। तो कन्वेक्शन जोन ये है और रेडिएटिव जोन अंदर बीच वाला है और कोर सबसे अंदर वाला पार्ट है। अब देखिए तीन पार्ट का फंक्शन क्या है या इनका नामकरण क्या किया, क्यों का किया गया। कोर के मतलब क्या होता है, क्रोड के मतलब क्या होता है, क्रोड मतलब होता है बीच मध्य का भाग, सबसे जो है आपके इंटीरियर पार्ट, जहां से किसी चीज का ओरिजिन होता है, जहां से जो केंद्र होता है, तो केंद्र को क्रोड या जो है आपके क्रोड के नाम से या कोर के नाम से जाना जाता है। तो ये कोर है। कोर होता क्या है, कोर में टेम्परेचर एक्सेसिव अमाउंट होता है और इसमें अत्यधिक मात्रा में आपके एनर्जी लिबरेट होती है। वजह क्या है, जो भी प्रोसेस, क्योंकि पूरा ये गैसियस है, पूरा जो आपके एक तरह से ये सॉलिड तो है नहीं, तो ये पूरा गैस का गोला है, गैस के गोले में भी तीन भाग हैं, गैस के गोले का जो पहला भाग है ये आपके कोर कहलाता है। तो कोर जो आपके कहला रहा है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे ऊर्जा बन रही है, ऊर्जा बनाने की फैक्ट्री है, हाइड्रोजन के परमाणु मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बना रहे हैं, हीलियम। तो जो हम लोग ने नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा था, वही चीज है कि हाइड्रोजन के जो है मॉलिक्यूल्स मिल करके जो है आपके हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं और यही एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये क्या है, ये ऐसी जगह है जहां पे एनर्जी बन रही है, जिसकी वजह से आपके सारे पार्टिकल्स, अल्फा बीटा पार्टिकल्स, फिर फोटॉन्स जितने हैं, वो फोटॉन्स सब यहीं पर बनते हैं। और ये जो जितनी चीजें बनी हैं, इन सभी को बाहर लाने का काम कौन करता है, बीच वाली लेयर। तो बीच वाली लेयर क्या है, अंदर जो ऊर्जा पहुंची इसको बाहर पहुंचाने का कार्य करती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रेडिएटिव जोन, विकिरण क्षेत्र। क्यों, क्योंकि ऊर्जा को यह विकृत कर रही है, रेडिएट कर रही है, तो इसीलिए रेडिएटिव जोन इसको कहा जाता है। तो रेडिएट कर रही है ऊर्जा, इसका मतलब एनर्जी ऊपर आ रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएटिव जोन। तो ये रेडिएटिव जोन के नाम से जाना जाता है जो दूसरा पार्ट होता है। तो इसका मेन काम क्या होता है, अंदर जो ऊर्जा बन रही है वो बाहर की तरफ जो है आपके बाहर की सतहों तक आ जाए। अब बाहर की सतहों पर जब हम लोग आएंगे तो अब गैस का गोला कैसे होगा, बाहर की सतह पर यहां पर तूफान चलते रहते हैं, ऐसे तूफान चलते रहते हैं, तो आग की लपटें बाहर निकलती हैं और फिर अंदर चली जाती हैं गुरुत्व बल की वजह से। तो ये क्या है, आग का गोला है, आग का गोला संवहन चक्र यहां चल रहा है, तो ये चारों तरफ से आपके एक तरह से बाहर की ओर आग की लपटें, सोलर फ्लेम्स जिनको कहा जाता है, बाहर की ओर निकलती हैं फिर अंदर खिंच जाती हैं इसकी ग्रेविटी की वजह से। इसलिए तूफान चल रहा है कन्वेक्शन साइकिल के रूप में, ये कन्वेक्शन साइकिल देखिए दिखाया जा रहा है। तो क्या होता है कि सौर लपटें गई, सोलर फ्लेम्स खिंच गई, जैसे आग की लंबी लंबी लपटें होती हैं, उसी तरह से एनर्जी जो बनी है आग की लपटों के रूप में जो है आपके सोलर फ्लेम्स के रूप में, और ये फ्लेम्स छोटी मोटी नहीं होती, ये फ्लेम्स जो है आपके 100-200 किलोमीटर की भी नहीं होती, हजार हजार किलोमीटर की होती हैं, इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है। तो ये जो है आपके लंबी लंबी जो है आपके सोलर फ्लेम्स होती हैं जो गई बाहर सतहों तक, लेकिन गुरुत्व बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये वापस फिर चली आती है, इसलिए ये चक्र चलता रहता है। बाहर की ओर आग की लपटें निकलेंगी फिर अंदर चली आएंगी, फिर बाहर निकलेंगी फिर चली आएंगी, इसका मतलब आग की लपटें चारों तरफ निकल रही हैं। तो ये क्या है, ये इसीलिए बाहर वाला क्षेत्र कन्वेक्टिव जोन कहलाता है। तो कन्वेक्टिव जोन या कन्वेक्शन जोन, क्योंकि कन्वेक्शन करंट चल रहा है, तो कन्वेक्शन करंट चलने की वजह से इसको कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है। ये कन्वेक्टिव जोन हो जाता है जो कि इस जगह पर पाया जाता है। फिर अर्थ की सरफेस का नाम क्या है, सॉरी सन की सरफेस का, तो सन की जो सरफेस है उसको कहा जाता है फोटोस्फीयर। तो ये प्रकाश मंडल जिसको हम लोग कहते हैं, या प्रकाशी क्षेत्र होता है जो चमकीला हमें दिखाई पड़ता है। तो सूर्य का जो चमकीला भाग दिखाई पड़ रहा है, सतह दिखाई पड़ रही है, दैट इज फोटोस्फीयर। ये फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है,
जो कि इस तरह से आपके पाया जाता है। अब फोटोस्फीयर से, क्योंकि अब अगर आप इसको देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल सूर्य को, कोर है, कन्वेक्टिव जोन है, कन्वेक्शन जोन है, तो ये कोर हो गया, यहां पर जो है आपके कन्वेक्टिव जोन हो गया जहां से ऊर्जा बाहर की ओर जा रही है, और फिर यहां पर संवहन चक्र चल रहा है, इस तरह से कन्वेक्टिव साइकिल चल रही है जो कि यहां पर पाया जा रहा है। ये जो बाहर की सतह है ये है फोटोस्फीयर, ये तो गैस का गोला ही है, गैस के गोले के बाहर भी गैस होती है। इसका मतलब क्या है, ये विरल गैस है, रेयरर है गैस, और यही क्या कहलाता है, सूर्य का वायुमंडल, एटमॉस्फियर। जैसे अर्थ होता है, अर्थ अभी आपके अर्थ भी तीन पार्ट का मिलकर के बना हुआ है, अर्थ के बाहर क्या है लेकिन उसका वायुमंडल है, सेम उसी स्ट्रक्चर में सूर्य है। सूर्य जो है इसके बाहर की सतह जो है आपके फोटोस्फीयर जो चमकीली कहलाती है, और इसका वायुमंडल जो है उस वायुमंडल को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर को क्या कहा जाता है, क्रोमोस्फीयर। तो ये क्या है, क्रोमोस्फीयर के रूप में इसको जाना जाता है। तो क्रोमोस्फीयर है ये जो पार्ट है जो एक तरह से बाहर, तो वायुमंडल को क्या कहा जाता है, तो अगर ये कहा जाए कि सन के सर्फेस को क्या कहा जाता है, तो सन के सर्फेस को फोटोस्फीयर, सन के सरफेस के बाहर जो वायुमंडल है विरल गैसों का, तो विरल गैसों का जो मंडल है उसको क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। और बाहरी भाग जो कि वायुमंडल का है लेकिन बाहरी सतह दूर से देखने पर, जब हम लोग सूर्य को दूर से देखते हैं, सूर्य को दिन के समय तो देखना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज्यादा तीव्रता होती है, लेकिन उगता हुआ सूर्य, राइजिंग सन या सेटिंग सन जो होता है, डूबता हुआ सूर्य, उसको अगर आप देखें तो आप गौर से अगर उस सूर्य को देखें तो थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि जैसे कोई एक रिंग नाच रही बाहर, तो सूर्य के बाहर एक रिंग नाचने लगती, वो नाचती हुई रिंग जो होती है जो बाहर की तरफ ऐसे दिखाई पड़ती है वो क्या कहलाता है, उस रिंग को कहा जाता है कोरोना। ये आजकल फैले वाला कोरोना नहीं है, वायरस नहीं है, तो ये क्या है, ये कोरोना जो कि सूर्य के बाहर एक रिंग के फॉर्म में चमकीली रिंग दिखाई पड़ती है, तो सूर्य के बाहर जो चमकीली रिंग है उसको कहा जाता है कोरोना। तो अब देखिए फिर से टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, पूरा सन जो है वो तीन पार्ट का मिलकर के बना हुआ है, ये है आपका एक तरह से अगर हम कहें अंदर वाला पार्ट क्रोड है, फिर जो है आपके रेडिएटिव जोन विकिरण क्षेत्र, फिर इसके बाद संवहन क्षेत्र है, कन्वेक्टिव जोन है, फिर बाहर की सतह को क्या कहा जाता है, फोटोस्फीयर कहा जाता है, फिर इसके वायुमंडल को क्या कहा जाता है, क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, और बाहर की जो चमकीली जो हल्की हल्की आपको धुंध दिख रही है इसको क्या कह रहे हैं, कोरोना। तो ये कोरोना के नाम से जानी जाती है जो वायुमंडल के बाहरी भाग जो कि चमकीला होता है। फिर सन स्पॉट्स, सूर्य में भी क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता और घटता रहता है, अंदर तो बहुत ज्यादा तापमान होता है लेकिन सतह पे अगर कहा जाए तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इतना लगभग टेम्परेचर होता है। कुछ जगह जब 1500 केल्विन टेम्परेचर तक हो जाता है, तो 1500 केल्विन तक जब टेम्परेचर गिर जाता है तो वहां पर जो आपके चक्र हैं कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव साइकिल, वो काम करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब प्रकाश बाहर की ओर नहीं जाता, तो वहां पर क्या है, क्योंकि प्रकाश बाहर नहीं जा रहा है, हर जगह से जा रहा है, हर जगह चमकीला दिखाई पड़ेगा, वहां पर वो वाला भाग क्या होगा, वो स्पॉट ऐसा दिखाई पड़ने लगता है। तो सन स्पॉट्स क्या होते हैं, सन स्पॉट्स वो क्षेत्र होते हैं जिसकी सतह का तापमान कम हो जाता है और वहां से विकिरण या जो आपके रेडिएशन है वो नहीं होता, और जिसकी वजह से आपके स्पॉट ऐसा दिखाई पड़ता है, तो उसको सन स्पॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये सन का स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। अब आइए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखें, पहला जो हमारा ग्रह है वो क्या है, मरकरी। मरकरी जो है हम लोग का पहला ग्रह है, और जितनी भी चीजें हैं, देखिए हमने आपको बताया कि जो भी उत्पत्ति हुई ज्योग्राफी की, जितनी चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना, ज्यादातर क्या है, यूरोपियन क्षेत्र से हुई, यूनान वासियों ने की और रोम वासियों ने करी। जो आपके डेवलपमेंट हुआ यूनान में तो हुआ, लेकिन सेंटर रोम था,
वजह क्या थी कि जितना भी आपके उस क्षेत्र में जो भी आपके डेवलपमेंट, जो भी आपका एक तरह से सारी चीजें मानी जाती थी, या रोम का जो डेवलपमेंट था वो इस वजह से हुआ क्योंकि वो धार्मिक प्लेस थी, और धार्मिक प्लेस होने की वजह से धर्म से लोग पहले जुड़ते हैं। इसलिए यूरोपियन कल्चर में देखा गया रोम अपने आप डेवलप कर गया। रोम में कोई बहुत ज्यादा आपने रोम से कहीं ज्यादा जो है ग्रीस में जो है आपके काम हुआ, और आपने देखा भी पिछले उसमें ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन में कि ग्रीस में ज्यादा काम हुआ कंपैरेटिवली, लेकिन रोम अपने आप डेवलप कर गया। क्यों कर गया? वो एक ऐसी जगह थी जो कि आपके एक तरह से रिलीजियस प्लेस की जगह थी। वहां के लोग रिलीजन में ज्यादा विश्वास करते थे, वहां पर लोग पूजा पाठ करते थे, तो वहां पर ढेर सारे भगवान थे, गॉड थे, तो अलग अलग तरह के उन्होंने जो है गॉड को मानते थे वो, जो रोमन्स थे जिनको कहा जाता है। तो रोमन्स जो थे वो आपके एक तरह से एग्रीकल्चर के गॉड को अलग मानते थे, सी के गॉड को अलग मानते थे, हेवन के गॉड को अलग मानते थे। फिर इस तरह से जैसे मान लीजिए उनका व्यापार हुआ करता था, व्यापार के भगवान अलग पूजे जाते थे, तो इस तरह से होता था। तो मरकरी क्या थे? मरकरी गॉड ऑफ कॉमर्स एंड स्किल थे। माना यह जाता है कि मरकरी बुध, जिसको जो है बुध ग्रह कहते हैं, बुध की जिस पे कृपा होगी, या बुध भगवान की जिस पर कृपा होगी उसका काम काज अच्छा चलेगा, उसके अंदर एक अच्छी स्किल डेवलप होगी। तो इसीलिए जो है आपके एक तरह से इनको गॉड ऑफ कॉमर्स एंड स्किल कहा जाता था। तो मरकरी जो है, मरकरी जो पहला ग्रह था, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां पर क्या करते थे, जो चीजें मिलती थी, स्टार्स थे या जो भी चीजें थी, वो अपने भगवान के नामों पर रख देते थे उनको, तो इसलिए भगवान के नाम पर जो है आपके एक तरह से इसका नाम मरकरी रख दिया गया। जो पहला ग्रह, जो सबसे छोटा ग्रह है, जो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है, तो सन से नियरेस्ट टू द सन अगर कहा जाए कौन सा ग्रह है, तो ये आपके ये हो जाता है। तो ये जो है आपके एक तरह से गॉड ऑफ कॉमर्स और स्किल के नाम पर नामकरण किया गया। फिर इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग देखें कि इसका रोटेशनल जो टाइम है वो आपके 58.6 डेज है। रोटेशनल टाइम के मतलब क्या हुआ? एक्सेस पे घूमना, बहुत धीमे घूम रहा है ये। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में अपने अक्ष पर एक बार एक घूर्णन गति कितनी देर में करती है, एक रोटेशन कितनी देर में करती है, एक दिन में, दैट इज 24 आवर्स में। पृथ्वी के 58.6 डेज के बराबर टाइम लेता है मरकरी अपने एक्सेस पर पूरा एक जो है रोटेशन करने के लिए। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कितना स्लो चलता है, जबकि छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा होने के बाद रोटेशनल स्पीड बहुत स्लो है, जो कि बहुत धीमे धीमे एक पूरा जो है रोटेशन करेगा कितने दिनों में, 58.6 डेज में। लेकिन इसकी स्पीड जो रेवोल्यूशनरी है वो बहुत तेज है, और तेज होने की वजह से एक बार में ये चक्कर लगा लेता है आपके 88 दिनों में। जैसे अर्थ एक चक्कर लगाती है सन के चारों तरफ, रेवोल्यूशन करती है कितनी देर में, 365 दिन और एक चौथाई दिन कहा जा सकता है, 1/4 डे। तो लगभग 365 दिनों में, 365 डेज में लगभग एक परिक्रमा करती है, जबकि ये 88 दिन में ही कर लेता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो आपके एक तरह से पृथ्वी की जो परिक्रमा है 365, तो वो 88 दिन में इसके द्वारा कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो है लगभग जो है आप ये कह सकते हैं कि ये 3 से 4 बार, लगभग 4 बार ये जब घूम लेगा तब पृथ्वी एक बार घूमती है। तो पृथ्वी को एक बार घूमने में, एक रेवोल्यूशन करने में जितना समय लगता है, उतनी देर में ये 4 बार जो है आपके एक तरह से रेवोल्यूशन कर लेगा। या आप ये कह सकते हैं कि इसका इस जो है आपके ग्रह पर, इस ग्रह पर एक दिन कितना बड़ा होता है, 58.6 डेज का होता है। पृथ्वी के 58.6 डेज के बराबर उसका एक दिन होता है, और उसका एक साल कितना बड़ा होता है, 88 दिन के बराबर। इसका मतलब 88 दिन के बराबर एक साल होता है उनका। इसका मतलब हर 88 दिन पर एक साल बदल जाता है। तो ये जो है मरकरी के लिए है। तो मरकरी जो है आपके ऐसा ग्रह होता है। अब ये क्या होता है कि ये 88 दिन में, क्योंकि एक परिक्रमा कर रहा है और अर्थ भी रोटेट कर रहा है, तो कम से कम 3 बार इसकी भेंट हो जाती है। कम से कम 3 बार पृथ्वी के 365 दिन में ये 4 बार घूमता है, तो कम से कम 3 बार ये मिल जाता है पृथ्वी से, कहीं ना कहीं
मिलते हुए। तो तीन बार इसकी, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम इसकी मुलाकात हो जाती है या मिल जाती है, और ये पास होने की वजह से सुबह के समय और शाम के समय ये तारे जैसा चमकता रहता है। चमकता क्यों है? क्योंकि सूर्य से बहुत पास है, और सूर्य से बहुत पास होने की वजह से इसके अंदर चमक बहुत ज्यादा होती है। ऐसा लगता है कि ये तारा है, ये ग्रह नहीं लगता, प्लैनेट नहीं लगता। प्लैनेट किसको कहा जाता है? जिसके पास कोई ऊर्जा नहीं है, किसी भी तरह की कोई ऊर्जा नहीं है। तो किस जो है आपके ऐसा पार्ट जो किसी स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, उसे हम प्लैनेट कहते हैं। तो ये अभी हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेकिन प्लैनेट होने के बावजूद भी ये क्या दिखता है? दिन के समय, सुबह के समय, तो मॉर्निंग एकदम जब सुबह सुबह होती है, उस समय चमकते हुए तारे के रूप में दिखाई पड़ता है। तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है। तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार क्यों देते हैं? क्योंकि इसका नाम मॉर्निंग इवनिंग स्टार इसीलिए पड़ा है। और मॉर्निंग ट्वाइलाइट के समय यह दिखाई पड़ता है, और जो सुबह के देवता वहां पे पूजे जाते हैं मॉर्निंग में, वो होते हैं अपोलो। इसीलिए इसको इसको अपोलो नाम भी दिया गया है मरकरी को। तो मॉर्निंग ट्वाइलाइट क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं गोधूली का प्रकाश। गोधूली क्या होता है? आगे चल करके अभी आप पढ़ेंगे, जैसे सनसेट, मान लीजिए कि सनसेट और सनराइज जब होता है, मान लीजिए सुबह 5:30 बजे सूर्योदय होगा, सनराइज होगा, 5:30 बजे सूर्योदय होगा, लेकिन सूर्य 5:30 बजे नहीं, 5:15 बजे से ही दिखाई देने लगता है, 15 मिनट पहले से ही। क्यों ऐसा होता है? फिजिक्स का रिफ्रैक्शन में आप पढ़ेंगे, जब आप सन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एक तरह से एटमॉस्फियर जब आएगा, तो एटमॉस्फियर में इस चीज, ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी कि सनराइज 5:30 बजे हो रहा है, लेकिन 5:15 बजे 5:10 पे 5:05 पे आपको सूर्य दिखाई पड़ने लगेगा। इसका मतलब पहले से ही रोशनी आ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन नीचे होता है और ऑटोमेटिकली ये ऊपर अपने आप दिखाई पड़ने लगता है। जैसे हम उदाहरण के लिए आपके दिमाग में डालने के लिए ये चीज बता दे रहे हैं, जैसे अक्सर आपने बाल्टी देखा होगा, बाल्टी में पानी भरा है, जब बाल्टी में पानी भरा होता है तो बाल्टी की तली आपको ऊपर दिखाई पड़ती है। अगर उसमें एक सिक्का डाल दीजिए तो आपको लगेगा सिक्का बहुत ऊपर है, लेकिन जैसे ही आप हाथ डालेंगे आपको लगेगा थोड़ा सा ही दूर तो है तली, लेकिन जब आप हाथ डालेंगे आप देखेंगे वो गहराई में आपका हाथ चलता चला जा रहा है, तो ऊपर दिखाई पड़ता है, जितना हाइट होती है उससे ऊपर दिखाई पड़ता है, देखिए दिख रहा है। तो अब जो दिखता है जो आपके सिक्का, उसी तरह से सूर्य यहां है लेकिन दिखाई पड़ता है ऐसे, रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये अभी हम लोग जब एटमॉस्फेयर आएगा तब हम समझेंगे। तो 15-20 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम यहां मिला, उसी तरह से जब सूर्य अस्त होता है शाम में, मान लीजिए 6 बजे सनसेट हो रहा है, सनसेट 6 बजे हो गया है, सूर्य डूब चुका है, हॉरिजॉन के नीचे चला गया है सूर्य, लेकिन 6 बजे सनसेट हो गया, लेकिन हम देखेंगे 6:15, 6:20 तक आपके प्रकाश रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे अभी सूर्य नहीं डूबा है, रोशनी रहेगी आपके आकाश में दिखाई पड़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य रेस दिखाई पड़ता है, डूब चुका है लेकिन फिर भी ऊपर है। तो 15-20 मिनट 25 मिनट इधर एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो एक्स्ट्रा टाइम जो आपके जो ये है, तो इसे गोधूली का प्रकाश कहा जाता है, ट्वाइलाइट। गोधूली क्यों कहा जाता है? गोधूली का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये भी समझ लीजिए। पहले क्या हुआ करता था कि जो गोधूली, देखिए है क्या, अभी क्या है कि लोग गाय भैंस बकरियां पालते हैं तो उनके लिए खाने के लिए होता है, पहले खाने के लिए नहीं होता था। लोग क्या करते थे, गाय भैंस बकरियों को जो है आपके एक तरह से चराने ले जाते थे, घास वास दिन भर वो खाती थी और शाम में वापस लेकर के चले आते थे। तो वापस जब सूर्य डूबने लगता था तो गाय भैंस जब वापस लौटती थी तो अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा जब गाय भैंस झुंड में होती है, एक दूसरे को मार दिया, जब एक दूसरे को मार दिया अब एक भागने लगी, जब एक भागने लगी तो सब भागने लगी। जब गाय भागने लगती है या भैंसे भागने लगती हैं तो अपने पैर से जो है आपके धूल को उड़ाती चली जाती है और पूरा धूल से वो भर जाता है सारी चीजें। तो गौ धूली दो शब्दों से मिलकर के बना, ट्वाइलाइट जिसको कहा जा रहा है, गौ धूली, गौ मतलब गाय, धूली मतलब धूल से, गौ के पैरों से जो धूल उड़ती थी और धुंध आ जाती थी, तो इस तरह से धुंधले प्रकाश में या धुंधली धुंध में जो है आपके जो चीज दिखाई पड़ती है वो ट्वाइलाइट कहलाता है। तो मॉर्निंग ट्वाइलाइट क्या होता है?
गोधूलि का प्रकाश जो सुबह सुबह वाला होता है, धुंध जिसमें होती है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं होता, तो गोधूलि के प्रकाश के समय यह तारे के रूप में दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको अपोलो भी कहा जाता है। तो मरकरी को अपोलो भी कहते हैं, जो आपके पहला जो है आपके ये ग्रह होता है। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सूर्य से सबसे पास है ये, लेकिन ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है, इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास एटमॉस्फियर नहीं है। टेम्परेचर का एटमॉस्फियर से क्या लेने देना, जितना दिन में प्रकाश आता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद तो कोई प्रकाश नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा एटमॉस्फियर गर्म रहता है। अगर दिन का टेम्परेचर हम लोग देखते हैं 30 डिग्री चल रहा है, तो रात के टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं गिरता, 20 डिग्री 22 डिग्री 23 डिग्री बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि एटमॉस्फियर में कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक बार प्रकाश ऊष्मा आ गई उसको बाहर अब नहीं जाने देगी, इसलिए सुबह तक वो ऊष्मा रुकी रहती, धीरे धीरे जो है आपके एक तरह से वायुमंडल जाती, इसीलिए धीरे धीरे टेम्परेचर सुबह तक घटता चला जाता है, लेकिन एकदम से नहीं घटता। इस ग्रह पर क्या है, सूर्य का प्रकाश दिन के समय आता है, टेम्परेचर नॉर्मली 350-370 डिग्री सेल्सियस होता है, कभी कभी 450 तक पहुंच जाता है। तो 350-370 डिग्री सेल्सियस दिन का टेम्परेचर, लेकिन जितनी ऊष्मा आई है, जैसे ही सनसेट हुआ, अंधेरे में आया, इसकी सारी ऊष्मा चली गई, और रात का टेम्परेचर इसका कितना हो जाता है, -170 डिग्री सेंटीग्रेड। दिन का टेम्परेचर अगर हम 350 मान लें, और रात का टेम्परेचर अगर हम -170 मान लें, इसके मतलब कि 350 और 170 मिलकर के लगभग जो है 520 डिग्री सेल्सियस, इसके मतलब कि 500 से 550 डिग्री सेल्सियस के बीच में डिफरेंस आता है, दिन और रात के तापमान का अंतर आता है। हम लोगों के यहां क्या है, दिन का तापमान बहुत ज्यादा है 40 डिग्री है, रात का तापमान 20 डिग्री हो गया, तो 20 डिग्री का अंतर आया। तो ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जिसको कहा जाता है, दैनिक तापांतर, एक दिन के तापमान में अंतर, इसीलिए आप देखते हैं जब टेम्परेचर आपके किसी दिन का बताया जाता है तो उसका अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दो बताए जाते हैं, तो अधिकतम तापमान इतना रहा, न्यूनतम तापमान इतना रहा, तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का जो अंतर होता है उसी को तापांतर कहते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस सर्वाधिक कहां है, इसी ग्रह पर है, जो 550 डिग्री सेल्सियस पर डे का होता है। अब आप सोचिए 550 डिग्री सेल्सियस अगर दिन और रात के तापमान में अंतर कहीं पर हो तो वहां पे सर्वाइवल कितना मुश्किल होगा, होगा ही नहीं। तो अब यहां पर बुध में ऐसा है क्योंकि यहां पर एटमॉस्फियर नहीं है, एटमॉस्फियर ना होने की वजह से जितनी ऊष्मा आई, और शायद एटमॉस्फियर होता या कुछ इस तरह की गैसें होती, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती, तो शायद ये सबसे गर्म ग्रह होता। क्यों? क्योंकि क्या है, ये सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य से सबसे निकट कौन है, बुध ग्रह, लेकिन फिर भी सबसे गर्म नहीं है। गर्म क्यों नहीं है, क्योंकि जितनी ऊष्मा आती है रात के समय उतनी चली जाती है, तो दिन के समय 12 ही घंटे तो इसको ऊष्मा मिल रही है, 12 घंटे नहीं मिल रही है, इसलिए जब औसत टेम्परेचर निकालेंगे, एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे, तो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। इसी वजह से पास होने के बावजूद भी यह सर्वाधिक गर्म ग्रह नहीं है, हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, और जो है आपके एक तरह से इसको जो है सबसे गर्म ग्रह नहीं कहेंगे, हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं कहेंगे, लेकिन सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह हम लोग यहां पर कहते हैं इसको। तो सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह जो है आपके ये हो जाता है। तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस वाला ग्रह हो जाता है, और इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, तो इसलिए सैटेलाइट रहित है ये, तो अर्थात उपग्रह इसका कोई भी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड उसमें आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है वीनस। वीनस बहुत खूबसूरत ग्रह है, जब आपको देखेंगे तो ये भी जो है आपके बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है, और खूबसूरत होने की वजह से इसका नामकरण जो है आपके शुक्र किया गया। शुक्र है क्या, वीनस जिसको कहा जाता है गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी, जो रोमन जो रोम में लव और ब्यूटी के लिए जिन गॉड को पूजा जाता है, जो आपके पूज्य गॉड या गॉडेस जो पूजे जाते हैं वो क्या है, वीनस। तो वीनस जो है वो एक तरह से गॉडेस है जिनको पूजा की जाती है खूबसूरती के लिए, या फिर जो है आपके एक तरह से लव के लिए, प्यार के लिए, प्रेम के लिए, तो प्रेम की देवी
या जो है आपके खूबसूरती की देवी जिनको कहा जाता है वो वीनस है, तो इसीलिए गॉड शब्द से रिप्रेजेंट किया गया है, गॉडेस भी आप कह सकते हैं, तो गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी जो है आपके वीनस को नाम दिया गया है, तो उन्हीं भगवान के नाम पर इनका नामकरण कर दिया गया, दूसरा ग्रह हमारा वीनस क्योंकि खूबसूरत है इसलिए इस खूबसूरती से को रिलेट करके इसको कर दिया गया। वीनस जो है इसको अगर हम लोग देखें तो ये एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के, अगर ये कहा जाए तो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है अगर हम कहें, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह मरकरी है, लेकिन पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह अगर कहा जाए तो वो शुक्र है, वीनस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पृथ्वी और शुक्र में बहुत समानताएं हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, लगभग लगभग एक जैसा आकार, जो रॉक्स का स्ट्रक्चर है लगभग लगभग एक जैसा है, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, वायुमंडल इसके पास भी है, वायुमंडल इसके पास भी है, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, और सबसे ज्यादा अर्थ से सिमिलैरिटी रखने वाला जो ग्रह है वो आपके वीनस ही है, शुक्र जिसको कहा जाता है। इसलिए जो आपके शुक्र ग्रह है इसको अगर आप देखेंगे तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसकी वजह से जो आपकी सिमिलैरिटी है और जो है आपके एकदम एक जैसी चीज एकदम पृथ्वी से मिलती है, इसी वजह से इसको पृथ्वी की बहन ग्रह कहते हैं, सिस्टर प्लैनेट, तो पृथ्वी की बहन ग्रह या ट्विन प्लैनेट्स कहा जाता है, ट्विन प्लैनेट में ये और पृथ्वी आती है, तो पृथ्वी की जुड़वां ग्रह अगर कहा जाए तो जुड़वां ग्रह किसको कहा जाता है, जैसे जुड़वां में आप देखते हैं हम लोग ट्विन्स में क्या होता है, दो एक जैसे बच्चे होते हैं, दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी होती है, वही ये भी है, तो ट्विन्स प्लैनेट में कौन कौन आता है, अर्थ और वीनस, इन दोनों को ट्विन्स कहा जाता है, या आप कहा जाए कि पृथ्वी का जुड़वां जो है ग्रह कौन सी है, तो जुड़वां ग्रह कौन सी है, ट्विन प्लैनेट कौन सी है, तो वो वीनस है, और या पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहा जाता है इसको, तो पृथ्वी की सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं इसी जो है आपके ग्रह को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एक तरह से ये है इसमें अगर आप देखें तो जैसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ये भी उसी तरह से दिखाई पड़ता है, पृथ्वी जब रिवॉल्व करती है तो ये भी अंदर रिवॉल्व कर रहा है, और कम से कम एक बार जो है साल में एक बार जो है ये दिखाई पड़ता है, सुबह के समय और शाम के समय, सुबह के समय जो दिखाई पड़ता है तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, फास्फोरस, तो सुबह के तारे का नाम फास्फोरस है और शाम के तारे का नाम हेस्पेरस है, तो इसीलिए इसको जो है आपके सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है, जैसे बुध ग्रह को कहा जा रहा था, तो बुध और शुक्र दोनों ग्रहों को क्या कहा जा रहा है, सुबह का तारा और शाम का तारा, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, तो दोनों ग्रह को कहा जाता है, वो 3 बार कम से कम मिलता है, ये कम से कम एक बार मिलता है, इसका मतलब साल में कम से कम 3 बार बुध ग्रह दिखाई पड़ेगा और साल में एक बार कम से कम शुक्र ग्रह दिखाई पड़ेगा, तो ये जो है आपके एक तरह से, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार को फास्फोरस कहा जाता है, जब ये मॉर्निंग में दिखाई पड़ता है तो इसको फास्फोरस बोलने लगते हैं सुबह के समय, और जब इवनिंग में ये दिखाई पड़ता है तो इसको हेस्परस कहते हैं, तो ये जो है आपके एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है कि इसमें एटमॉस्फियर है, और जो एटमॉस्फियर है वो एटमॉस्फियर बहुत ही सघन है, डेंस है, जितना पृथ्वी का एटमॉस्फियर है कहा जाता है उससे 90 गुना ज्यादा सघन है, 90 टाइम्स ज्यादा डेंस है, अब आप कल्पना करिए कि हम लोगों की जो एयर है उसको 90 टाइम्स कंप्रेस कर दिया जाए, तो 90 टाइम्स ज्यादा सघन है, और इस पर इसके पूरे वायुमंडल में अगर देखा जाए तो मोर देन 95% अकेले कार्बन डाइऑक्साइड है, और अकेले कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से भले ही ये सूर्य से अगर देखा जाए तो बुध से ज्यादा दूर है, लेकिन जितनी ऊर्जा आती है यहां दिन के समय सब के सब रुक जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलने देता, इसलिए रात का तापमान भी बहुत ज्यादा होता है, दिन का तापमान भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एवरेज टेम्परेचर अगर आप निकालेंगे तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला यही होता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर इसी का हो जाता है, इसलिए हॉटेस्ट प्लैनेट यही है शुक्र ग्रह, तो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर कहा जाए, अब जैसे बुध ग्रह क्या था,
ये था मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस वाला ग्रह। टेम्परेचर डिफरेंस वहां पर ज्यादा पाया जाता था, टेम्परेचर ज्यादा नहीं पाया जाता था। तो टेम्परेचर सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह अगर हम कहेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है आपके इसका पाया जाता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर इसका क्यों पाया जाता है? वायुमंडल के कारण। और वायुमंडल इतना सघन है, और वायुमंडल क्या करता है आपको पता है कि जितने भी, जैसे हम लोगों के पृथ्वी पर भी सारी चीज आकर्षित हो रही है, वायुमंडल भी आकर्षित हो रहा है। तो वायुमंडल जो आकर्षित हो रहा है, वायुमंडल पृथ्वी की सतह पर क्या लगाता है? बल लगाता है। उसी तरह इसका भी वायुमंडल इसकी सतह पर बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इसकी सतह पर बहुत ज्यादा फोर्स है, प्रेशर बहुत है। इसलिए अगर कोई चीज यहां पर पहुंचाई जाती है, जैसे वेरिनास, अगर आप देखें वेरिनास 4, 5, 6, ये तीन जो है आपके एक तरह से यहां पर यान भेजे गए थे, लेकिन इसकी सतह से उतरने से पहले ब्लास्ट कर गए, फट गए, क्योंकि इतना पता नहीं था कि हाँ इसमें, इसके वायुमंडल में पहुंचते ही फट गए, इनकी सतह पर नहीं उतर पाए। और इसीलिए इस पर शोध करना बड़ा मुश्किल है, यहां पर लोग नहीं जा पा रहे हैं। वजह यह है कि प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये जो है आपके कोई भी यान पहुंचने से पहले, या कोई भी आपके एक तरह से कुछ भी अगर भेजा जाए तो इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है। तो ये जो आपके ग्रह है, अत्यधिक प्रेशर होने की वजह से इसे एक और नाम दिया गया, इसे कहा जाता है प्रेशर कुकर ग्रह, जिसको प्रेशर कुकर प्लैनेट भी कहा जाता है। तो प्रेशर कुकर प्लैनेट अगर कहा जाए तो किसको कहते हैं? तो ये इसी जो है आपके शुक्र ग्रह को, वीनस को जो है कहा जाता है। और इसका एटमॉस्फियर डेंसेस्ट है, सबसे ज्यादा डेंस है जो आप देखते हैं, तो इसलिए बहुत सघन जो है आपके ये होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर है ही है इसका, इसलिए हॉटेस्ट प्लैनेट है ही है। और क्योंकि सूर्य के निकट है तो सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता ही है, इसलिए चमकीला बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर होने से और बाकी रोशनी भी ज्यादा पड़ने से ये क्या होता है, ये शाइनियस्ट प्लैनेट है, सबसे चमकीला ग्रह है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट जिसको कहा जाता है। तो ब्राइटेस्ट या शाइनियस्ट प्लैनेट जो होगा तो वो आपके यही होता है। तो शुक्र ग्रह जो है ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है और शाइनियस्ट प्लैनेट भी होता है, दोनों प्लैनेट इसी वजह से है। अब इस पे अगर आप देखें तो इस पर जो आपके धब्बे दिख रहे हैं, ये धब्बे क्या है? धब्बों को जब देखा गया तो यहां पर कई चीजें पाई गई। जब इसकी स्टडी की गई तो ये देखा गया कि पश्चिम की तरफ एक चौरस पठार पाया जा रहा है, एक चौरस पठार है, बहुत बड़ा पठार, तो उसको लक्ष्मी पठार के नाम से जाना जाता है। तो लक्ष्मी पठार उसको कहा जाता है। ईस्ट की तरफ सबसे बड़ा पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत है, उसको मैक्सवेल पर्वत कहा जाता है, मैक्सवेल पर्वत कहते हैं। नॉर्थ की तरफ जो है आपके एक और पर्वत है और ये बीटा पर्वत के नाम से जाना जाता है। और साउथ की तरफ एक पर्वत है जो कि सबसे बड़ा पर्वत है साउथ का, वो अल्फा पर्वत पाया जाता है, अल्फा माउंटेन्स। तो इस पर चार प्रमुख चीजें पाई जाती हैं। तो ये क्या है, पश्चिम की तरफ वेस्टर्न पार्ट में पठार जो है, प्लेट्यू जो है, सपाट जो है आपके प्लेट्यू है, वो लक्ष्मी प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। मैक्सवेल पर्वत जो है वो आपके ईस्टर्न पोर्शन में है, नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन में बीटा माउंटेन्स है, सदर्न मोस्ट पोर्शन में अल्फा जो है आपके माउंटेन्स है। और इसको अगर कहा जाए तो लक्ष्मी प्लेट्यू और मैक्सवेल माउंटेन को, इसको क्या नाम दिया गया, इश्तार, इश्तार नाम दिया गया है। इश्तार क्या है? इश्तार गॉडेस का नाम था बेबीलोनिया में, गॉडेस ऑफ लव। तो गॉडेस ऑफ लव जो थी उनका नाम था इश्तार। तो इश्तार जो है इनको कहा जाता है, और जो है एक तरह से उन्हीं के नाम पर उनको जो है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये चीज उनके नाम पर हमने समर्पित कर दिया, तो उसी तरह से रोमन वासियों ने क्या किया कि बेबीलोनियन की जो गॉडेस थी, जो आपकी प्रेम की देवी, तो प्रेम की देवी जो थी, जो बेबीलोनिया की थी, उनका नाम था इश्तर, तो उन्हीं के नाम, उन्हीं को जो है इसको समर्पित कर दिया गया, लक्ष्मी प्लेट्यू और मैक्सवेल जो है माउंटेन दोनों। और इसमें सैटेलाइट जो है, इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है। तो ये शुक्र ग्रह होता है जो कि इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट इसका है, इसका मतलब क्या है इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी फिर वापस हम लोग आएंगे इस पॉइंट पर।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग यहां पर देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है वो है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में तो हम लोग को पूरा स्टडी करना ही है, पूरा ज्योग्राफी ही पूरी पृथ्वी है, इसलिए बहुत डिटेल से हम लोग पृथ्वी को पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, तो इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी पूरा जो है अर्थ पे ही है, इसलिए बहुत डिटेल वे में नहीं जाएंगे। तो हम लोग पृथ्वी जो हम ऊपर से देखते हैं या ऊपर सैटेलाइट व्यू अगर हम लोग देखें तो सैटेलाइट व्यू इस तरह का आता है, ये सैटेलाइट व्यू है, और ये चंद्रमा का सैटेलाइट व्यू है, चंद्रमा ऐसे दिखाई पड़ता है, ये सैटेलाइट व्यू है तीनों। तो सैटेलाइट ये बना हुआ नहीं है कि हाथ से बना हुआ है, जैसे ग्रह जो आपके जिसमें दिखाया जाता है कि उत्तरी अमेरिका ये, दक्षिण अमेरिका ये ऊपर से फोटोग्राफी सीधे की गई है, तो पृथ्वी ऊपर से देखने पर कैसा दिख रहा है वो जो है आपके सैटेलाइट व्यू के रूप में जाना जा रहा है। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो पृथ्वी के लिए क्या है कि अर्थ के लिए, अर्थ जैसा आप जानते हैं कि यूनिक ग्रह है जो कि अन्य ग्रहों से बिल्कुल भिन्न है, सारे प्लैनेट्स को अगर आप देखें तो सारे प्लैनेट से बहुत डिफरेंट है ये। उसकी वजह क्या है, कहीं पर भी जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है, लेकिन अर्थ एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ लाइफ है। क्यों है, वजह सिर्फ ऑक्सीजन। लाइफ के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, ऑक्सीजन कई ग्रहों पर है लेकिन बहुत कम मात्रा में, ट्रेसेस में है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं है, इसलिए वहां पर जो है लाइफ अगर होगी तो पहले एक्सटेंड कर गई होगी, अभी कहीं पर लाइफ के कोई जो है आपके एक तरह से साक्ष्य नहीं मिले, ना लाइफ कहीं पर एग्जिस्ट करती। तो अब यहां पर अगर देखें तो पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां पर जो है आप ये कह सकते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ है। तो ये जो अर्थ है, अब देखिए अर्थ सिर्फ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसको किसी भगवान के नाम पर नहीं रखा गया, किसी गॉड के नाम पर नहीं रखा गया। लोग जिस जगह रह रहे थे उसका नामकरण नहीं किया उन्होंने, उनका उसका नामकरण नहीं किया, बल्कि अन्य सभी चीजों का नामकरण उन्होंने कर दिया। तो जितनी भी चीजें थी सबको नाम दे डाला कि इस गॉड के नाम पर यह है, इस गॉड के नाम पर यह है, इस गॉड। तो जितने ग्रह आप देखेंगे वो सब गॉड के नाम पर ही रखे गए। इवन उपग्रह जितने रखे, सैटेलाइट्स के नाम जितने रखे गए वो भी सब गॉड के नाम पर रखे गए, लेकिन पृथ्वी का नाम किसी भी गॉड के नाम पर नहीं रखा गया। जो अर्थ शब्द आया है, अर्थ जो आपके वर्ड आया है वो कहां से आया है, दो जगह से, इंग्लिश में अर्था और जर्मन भाषा में अर्डे, इन दोनों से अर्थ शब्द लिया गया है। दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों का सेम मीनिंग क्या है, क्रिएटर इज अननोन। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी जिसने बनाया वो कौन है कोई नहीं जानता, जिसको हम खुदा, अल्लाह, भगवान या कोई गॉड इनके नाम से जानते हैं, उनको कोई जानता तो नहीं है ना, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि अल्लाह ये है। तो अब यहां पर क्या है कि किसी ने देखा नहीं है, कोई आप ये नहीं कह सकते उनका कोई रिजेंबलेंस है। तो अब यहां पर क्या है, गॉड क्या है, खुदा क्या है, अल्लाह क्या है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये पता है हम लोग को है, लेकिन उनकी कोई आकृति या कुछ भी नहीं है। तो यहां पर क्या है, इस शब्द का मीनिंग क्या है, इस शब्द का मीनिंग ये है, क्रिएटर इज अननोन। पृथ्वी का जो क्रिएटर है, तो जो भी क्रिएटर जिसको हम अल्लाह कह रहे हैं, तो ये कोई साधारण ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये आपके एक तरह से कोई साधारण जो है आपके व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये कोई सुपर नेचुरल पावर है, सुपर नेचुरल पावर जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते, उस तरह की चीज। तो उस इसी वजह से अर्थ शब्द यहां से लिया गया। अब अर्थ का जो रोटेशन है इसको अगर हम लोग देखें, तो अर्थ का रोटेशन अगर हम देखें तो वो रोटेशन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में होता है। इसके मतलब कि पूरी पृथ्वी एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है, जिसको राउंड अबाउट हम लोग कर लेते हैं 24 घंटा। हम लोग ये मानते हैं कि लगभग 24 घंटा पृथ्वी लेती है एक चक्कर लगाने में, तो 24 घंटा एक चक्कर लगा, जबकि वो क्या है, लमसम टाइम है, एग्जैक्ट टाइम क्या है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। उसी तरह से अर्थ जो पूरी परिक्रमा कर रही है, एक अपने अक्ष पर घूमना वो एक दिन होता है, और एक परिक्रमा करना
उसको एक वर्ष की अवधि कहा जाता है, एक साल का समय। तो एक साल का समय क्या है? तो अगर हम एक साल की समय कहें तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। इसका मतलब पृथ्वी को जो एक परिक्रमा करने में, एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, जिसमें से हम लोग 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड को छोड़ देते हैं, लीव आउट कर देते हैं, जिसको लगभग हम 6 घंटा मान लेते हैं, और 6 6 घंटा मिलकर के चौथे साल क्या बन जाता है? 24 घंटा बन जाता है, अर्थात एक दिन बन जाता है। और जब एक दिन बन जाता है तो हम लोग ने पढ़ा है उसको लीप ईयर के फॉर्म में, तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366 डेज, जिसमें फरवरी 28 से 29 की हो जाती है। बाकी नॉर्मल डेज में हम लोग क्या मानते हैं? 365 दिन। तो 365 दिन मानते रहते हैं और इस पार्ट को छोड़ते रहते हैं, ये पार्ट छोड़ते रहते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि जो आपके एक तरह से परिक्रमा और परिभ्रमण का समय है वो ये। और इस प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? देखिए, ये दोनों सैटेलाइट की फोटोग्राफ हैं, सैटेलाइट से देखे गए पृथ्वी और सैटेलाइट से देखा गया चंद्रमा। तो सैटेलाइट व्यू में आप देखिए ब्लूइश कलर दिख रहा है। नॉर्मली आदमी क्या करता है, ऐसे पढ़ा भी देता है, टीचर्स को भी बता देते हैं कि पानी होने की वजह से उसको नीला ग्रह कहते हैं। एक्चुअल में ये बात नहीं है, पानी तो सिर्फ रिफ्लेक्शन कर रहा है, पानी की वजह से कोई नहीं, पानी का कोई रंग थोड़ी होता है, पानी नीले कलर का थोड़ी है। हमें महासागर नीले कलर का क्यों दिखाई पड़ता है, उसका रीजन है, इट इज ड्यू टू एटमोस्फियर। अभी एटमोस्फियर का जब पोर्शन आएगा तब आप पढ़ेंगे इसका कारण कि पृथ्वी नीली क्यों दिखाई पड़ती है, पानी की वजह से नहीं दिखाई पड़ती। तो अब यहां पर क्या है कि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी का सतह का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? रिफ्लेक्शन जरूर पानी से होता है ज्यादा, लेकिन ड्यू टू एटमोस्फियर, एटमॉस्फियर में एक ऐसी प्रक्रिया हो रही है, प्रकीर्ण की प्रक्रिया, स्कैटरिंग, जो आगे आगे चल करके आप एटमॉस्फियर के जब आपका टॉपिक आएगा उसमें पूरी तरह से आयन मंडल में जो ये प्रक्रिया होती है आयनोस्फियर में, तो जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी कि नीला क्यों दिखाई पड़ रहा है। तो ना आकाश का रंग नीला है ना पृथ्वी का रंग नीला है, लेकिन नीला आकाश भी दिखाई पड़ रहा है और पृथ्वी भी दिखाई पड़ रही है। क्यों दिखाई पड़ रही है? उसका कारण एटमॉस्फियर है। तो इसलिए पृथ्वी का रंग नीला है वाटर की वजह से मत बोलिए, जल का कोई रंग नहीं है, जल का रंग ट्रांसपेरेंट होता है। तो अब इसकी डिटेल में हम लोग तब आएंगे जब एटमॉस्फियर पढ़ेंगे। तो ये अर्थ, तो इसलिए क्योंकि दिख रहा है नीला इसलिए हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। जीवन है इसलिए लिविंग प्लैनेट या बायो प्लैनेट भी कहते हैं इसको, तो लिविंग प्लैनेट या बायो प्लैनेट के नाम से भी इनको जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पृथ्वी जो है डेंसेस्ट प्लैनेट है। डेंसेस्ट प्लैनेट के मतलब क्या हुआ? इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और इसकी डेंसिटी जो है ये है 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पृथ्वी सर्वाधिक सघन है, पृथ्वी की सतह सबसे ज्यादा सघन है, डेंस है। तो डेंसेस्ट जो है आपके होती है, और पृथ्वी की औसतन डेंसिटी जो होती है एवरेज डेंसिटी वो इतनी है, जबकि केंद्र पर जाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा है, सतह के ऊपरी भागों में आएंगे इससे बहुत कम है। ऑन एन एवरेज जब पृथ्वी की निकालेंगे डेंसिटी तो देंगे 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? औसतन घनत्व है, डेंसिटी। तो सर्वाधिक सघन ग्रह अगर कहा जाए, डेंसेस्ट प्लैनेट, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डेंसेस्ट प्लैनेट या मैक्सिमम डेंसिटी वाला ग्रह तो ये हो जाएगा अर्थ। तो पृथ्वी सर्वाधिक सघन है, और सर्वाधिक सघन ग्रह वाला जो है आपके ये है। और इसके जैसे पृथ्वी को अगर हम कहें तो पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है, जो नेशनल सैटेलाइट है वो है चंद्रमा, मून। मून के बारे में भी विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे हमने पृथ्वी और मून यही तो हम लोग को पढ़ना है पूरे ज्योग्राफी में, तो पूरे ज्योग्राफी का जो फिजिकल पार्ट है पूरे अर्थ की स्टडी कराएगा, तो इसको तो हम लोग हल्के से जो है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हम लोग खाली देख रहे हैं, लेकिन मेन चीज तो तभी देखेंगे जब हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। मून के बारे में भी वही है, मून को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपके एक तरह से इसका जो एक तरह से इसमें अगर हम लोग देखें तो मून को पहले फॉसल प्लैनेट कहा जाता है। अब इसको प्लैनेट की संज्ञा दे दी गई, क्यों? क्योंकि काफी बड़ा है। और फॉसल के मतलब क्या होता है? जीवाश्म ग्रह। जीवाश्म किसको कहते हैं, फॉसल किसको कहते हैं?
जब कोई चीज मर जाती है, मृत कर जाती, डेड कर जाती है, उसको मिट्टी में हम लोग डाल देते हैं, मिट्टी में पड़ता है, धीरे धीरे करके वो अपने रूप को बदलता है, डिसइंटीग्रेट होता है, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो पदार्थ बचता है वो क्या होता है, वो फॉसल्स कहलाता है, जिसको हिंदी में अपघटित पदार्थ कहा जाता है, डिसइंटीग्रेटेड मटीरियल। तो अब यहां डिसइंटीग्रेटेड मटीरियल या अपघटित पदार्थ जो है, ये जो है एक तरह से कहा जाए कि ये डिसइंटीग्रेटेड मटीरियल या जो आपके अब जो पदार्थ है ये क्या है, ये एक तरह से जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। अब इसे जीवाश्म क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि ये पृथ्वी से बहुत जो है आपके सिमिलर है, और यहां पर साक्ष्य भी ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इस पर जीवन रहा होगा कभी। अब जीवन क्योंकि समाप्त हो गया, अब नहीं है, इसलिए जीवाश्म। जैसे आपने देखा होगा कि चंद्रयान, चंद्रयान जो है सुना होगा, तो चंद्रयान गया था क्या करने के लिए, इसी जीवन की खोज करने के लिए, कि चंद्रमा पर कि जीवन की खोज क्या थी। जबकि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे, 1969 में 21 जुलाई को ये पहली पहली बार जो है नील आर्मस्ट्रांग ने इसी जमीन पर जो है कदम रखा था, और जिस तरफ ये उतरे थे उस पृथ्वी जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहां दिन है, पीछे जो है वहां रात है, तो जिस तरफ ये उतरे थे वो अंधेरी रात थी, तो उस टाइम अंधेरा था, तो जब उन्होंने पैर रखा तो वहां पर बहुत शांति थी, किसी तरह की कोई चीज नहीं। इसीलिए इसको जो है आपके जहां पर उन्होंने कदम रखा था, या पीछे का भाग चंद्रमा का जो हमें नहीं दिखाई पड़ता, वो बहुत शांत क्षेत्र है, उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या होता है, शांत, शांत, पीस। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसको कहा गया, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी उस भाग को कहा गया, उस क्षेत्र को कहा गया जहां नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार कदम रखा था। तो वो शांत क्षेत्र या शांत समुद्र का क्षेत्र, आप जैसे जैसे बीच में जाइए तो समुद्र एकदम शांत हो जाता है, किनारे बहुत शोर करता है, लेकिन बीच में आप जाएंगे तो समुद्र बिल्कुल शांत मिलेगा, क्योंकि वहां पे हलचल नहीं होती, वही चीज एकदम होती है। तो जो समुद्र में जो शांति होती है, उस तरह की शांति से संबंधित जो है यहां पर जो है उस चीज को रिप्रेजेंट किया गया था। तो इसलिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अगर कहा जाए तो कहां है, तो वो चंद्रमा की सतह जहां नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था। और जो लूनर मंथ होता है, एक चंद्र मास जिसको कहा जाता है, तो वो 29.5 दिन का माना जाता है, जो कि आपके सिंडोइक मंथ होता है। अब ये तो सारी चीजें हैं, तो पृथ्वी और से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले अब उससे वो तो हम लोग आपके फिजिकल उसमें आएंगे, हम लोग नेक्स्ट जो है आपके ग्रह पढ़ते हैं।